हेलो फ्रेंड्स, माय स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की जो 1857 की टॉपिक कवर कर रहे थे उसको हम लोग थोड़ा आगे लेके चलेंगे। और आज हमें दोस्तों कवर करना है कि 1857 में जो क्रांति हुई थी इसके धार्मिक और सामाजिक और आर्थिक क्या क्या कारण थे। दोस्तों ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊँ। शुरुआत में जो मेरा पहला वीडियो आया था 1857 ऊपर, उसमें सिर्फ मैंने इतना बात किया था कि किन किन इतिहासकार के लोगों ने क्या क्या कहा है, चाहे वो ब्रिटिश वाले रहे हों चाहे वो भारतीय रहे हों। भारतीयों भी कई लोगों की अलग अलग मतभेद थे, ठीक है, अलग अलग भावनाएं थी, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी बातें कही हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात किए। उसके बाद कंटिन्यूस हम लोग 3-4 पार्ट में सिर्फ ये देखा गया कि इसका विस्तार कैसे हुआ। विस्तार के अलावा दोस्तों हम लोग प्रशासनिक कार्ड वगैरह कवर कर चुके थे, सैनिक कार्ड, तात्कालिक कार्ड, प्रशासनिक कार्ड, ये सब लोग कवर कर चुके थे। तो उस दौरान हम लोग ये देखे कि पूरे उत्तर भारत में कहां कहां पर अंग्रेजों की छावनियां थी, कहां कहां पर क्रांति हुआ, कैसे हुआ, ये क्रांति दक्षिण भारत तक कैसे पहुंची, मतलब कि विस्तार से ये वाला टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। जो लोग नए हैं मैं चाहूंगा भाई आप प्लेलिस्ट में आ जाओ, आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगा टॉपिक वाइज, ठीक है। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं 1857 की क्रांति के एकदम अंतिम छोर पर। आज हमको सिर्फ बात करना है धार्मिक सामाजिक कारण के बारे में, आर्थिक कारण के बारे में, ताकि आपको ये पता चल सके कि अंग्रेजों की इन नीतियों की वजह से भारतीयों का दिल क्यों दुखा और वो 1857 की क्रांति में हिस्सा लेने क्यों पहुँच गए, ठीक है। आज ये बात क्लियर हो जाएगा। कल जो है या नेक्स्ट क्लास जब भी होगा एक दिन दो दिन बाद, तो याद रखिए वो आपका जो है आखिरी पार्ट होगा 1857 की क्रांति का, क्योंकि उसमें हम लोग बात करेंगे कि 1857 में जो क्रांति हुई थी अगर यह क्रांति इतने बड़े पैमाने पर हुई थी तो आखिर फेल कैसे हो गई, मतलब कि इसकी असफलता क्यों सिद्ध हुई, ठीक है, और इसके परिणाम अंतिम में क्या निकले, उस तथ्य के बारे में जानकारी लेंगे। इस तरह से हमारा 1857 का जो विद्रोह या क्रांति है ये वाला चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आइए अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज की टॉपिक हमारी क्या है दोस्तों, याद रखिए सामाजिक और धार्मिक कारण, मतलब सोशियो रिलीजियस कॉजेज क्या क्या थे 1857 की क्रांति के। दोस्तों आपको तो पता होगा ना, सिंपल सी बात है, देखो बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान टॉपिक और बहुत छोटी सी टॉपिक, आज का लेक्चर भी काफी छोटा है, ठीक है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि आप इस टॉपिक के बारे में सोचो, सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे, आप सोचो जो अंग्रेज थे उनके मन में क्या था। तो अंग्रेजों का दृष्टिकोण आपको समझना पड़ेगा कि उनकी अंतरात्मा भारतीयों के प्रति कैसी थी, यूरोपियों के प्रति कैसी थी, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप यही छोटा सा पॉइंट समझ गए तो ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। मतलब मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं आपको समझना पड़ेगा कि अंग्रेजों का दृष्टिकोण कैसा था, अंग्रेजों का दृष्टिकोण कैसा था भाई, ये दृष्टिकोण किसके प्रति, या तो यूरोपियों के प्रति या तो भारतीयों के प्रति, इधर भारतीय लिख रहा हूँ ठीक है क्योंकि इधर लंबा लिखना पड़ेगा, या तो भारतीयों के प्रति इनका दृष्टिकोण कैसा था और दूसरा था यूरोपियों के प्रति कैसा था, यूरोपियों के प्रति इनका दृष्टिकोण कैसा था, ये दो मामले सामने आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यूरोपियों के प्रति उनके दृष्टिकोण का, तो उनका एक अच्छा दृष्टिकोण था, क्यों, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार जो ईसाई मिशनरी थे उनको भी भारत आने की अनुमति दे दी गई कि आप भी भारत जाइए, जो अंग्रेज व्यापारी थे उनको भी भारत जाने की अनुमति दे दी गई कि आप भी भारत जाइए और व्यापार के कार्य कर सकते हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, इसका यूरोपियों के प्रति एक लगाव देखने को मिलता है, एक सपोर्ट देखने को मिलता है, कह सकते हैं कि नहीं, एक लगाव या एक सपोर्ट मिलता है, जो भी ईसाई मिशनरी वगैरह जो भी आई, ठीक है। ईसाई मिशनरियों का काम क्या था, तो ईसाई मिशनरियों का जो काम था वो था जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, क्या काम था, ये आए ही किस लिए थे, ये प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, ठीक है। तो इनको जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है का संरक्षण इनको मिला हुआ था कि आप आराम से काम करिए, हम आपके ऊपर तैनात है, कोई भी दिक्कत समस्या आपको नहीं होने पाएगी। तो एक प्रकार से मैं कह दूं कि यूरोपियों से इनका काफ़ी लगाव था, चाहे कोई यूरोपीय व्यक्ति सेना में आ जाए, चाहे कोई यूरोपीय व्यक्ति अधिकारी के रूप में हो जाए, चाहे वो कंपनी के किसी बड़े पद छोटे पद पर काम करे या वो किसी ईसाई के रूप में भारत में आ जाए, हर तरह की यूरोपीय व्यक्तियों से ईस्ट इंडिया कंपनी का लगाव था। कुल मिला जुला कर अंग्रेजों को जो है अंग्रेज संरक्षण दे रहे थे, अंग्रेजों का संरक्षण
अंग्रेज ही कर रहे थे। अब दूसरी पार्टी बची भारतीय, जिसके ऊपर ये शासन कर रहे थे। अब यहाँ पे निवास करते हैं दो लोग, यहाँ पे कौन निवास करता है, दो लोग निवास करते हैं, एक हिंदू जो बेसिकली है, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो दोस्तों इनके प्रति जो इनकी भावनाएं थी अंग्रेजों की, ये कितनी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। हमने पूरा 1857 की क्रांति देख लिया, बहुत सारी चीज़ें आपको बताया समझाया। आपको समझ में नहीं है अभी तक कि इनकी कितनी अच्छी रीतियाँ थी, या अंग्रेज कितना प्रेम करते थे हमारे हिंदू भाइयों या मुसलमान भाइयों से, कितना ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मोहब्बत नहीं दोस्तों, ये इनसे क्या करते थे, नफरत करते थे। अगर नफरत नहीं करते तो बताइए आंग्लिकरण की नीति क्यों आती, क्यों हमारे भारतीय सिपाहियों को सेना में ऊंचे पदों पर नहीं भेजा जाता था, क्यों हमारे भारतीय सिपाहियों को सेना कराने का हक नहीं था, उनको सिपाही कहा जाता था, क्यों आप बताओ क्यों, क्यों सेना में उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। भारतीय सिपाही कहता है, कई सारे भारतीय सिपाहियों का कथन आया 1857 के दौरान कि अंग्रेज अधिकारी हमारे साथ जैसा बदसलूकी करते हैं इसको बयां नहीं किया जा सकता। क्या मतलब है, यानी आप उसको गाली देते होंगे, आप उसकी मां बहन करते होंगे, फिर भी वो चुपचाप आपकी बातें सुनता होगा क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो कुल मिला जुला कर इनका जो दृष्टिकोण भारतीयों के प्रति था, इनका जो रवैया था वो सही नहीं था, वो सही नहीं था। हिंदुओं को दोस्तों ये बर्बर कहते थे, हिंदुओं को क्या कहते थे, ये कहते थे हिंदू जो हैं ये बर्बर हैं, हिंदू जो हैं असभ्य हैं। मालूम पड़ता है यही सभ्यता के जनक थे और हम लोग कोई सभ्यता जानते ही नहीं, हमें यह बर्बर और असभ्य कहते थे। मुसलमानों को भी दोस्तों ये कट्टरपंथी कहते थे, क्या बोलते थे कि मुसलमान जो है कट्टरपंथी बेईमान है, कट्टरपंथी और बेईमान है, क्या समझ रहे हैं। जबकि मुसलमान का अर्थ क्या होता है, मुसल्लम धन ईमान, यानी जिसका ईमान क्या हो, मुसल्लम हो मतलब अच्छा ईमान हो, उसको मुसलमान कहते हैं। देखिए गलत व्यक्तियों की बात मत करिए, जब भी मैं कोई बात करता हूं तो कुछ लोगों का दिमाग जो है जाति सूचक शब्दों पर चला जाता है, ठीक है, जाति सूचक शब्दों पर मत जाइए। दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो क्या है बताइए, आप लोग कहेंगे धर्म है, आप लोग कहेंगे ना। और अगर आप हमसे पूछोगे, अगर हमसे कुछ सीखना चाहते हो तो एक ही चीज़ सीखना जीवन में दोस्तों, एक चीज़ मेरी याद रखना, जीवन में सबसे बड़ा धर्म नहीं, जीवन में सबसे बड़ी मानवता है। जीवन में सबसे बड़ा क्या है, मानवता है, धर्म नहीं। मानवता पहले आया था, धर्म बाद में आया था। सबसे पहले क्या चीज़ आया यहाँ पर, सबसे पहले मानवता आई है, धर्म नहीं आया है, ठीक है। तो धर्म बाद में है, मानवता पहले है, मानवता सर्वश्रेष्ठ है। आप चाहे ईसाइयों की बाइबल उठा के देख लो, उन्हीं के ग्रंथ को उठा के देख लो, आप चाहे मुसलमानों का कुरान उठा के देख लो, चाहे आप जो है हिंदुओं का जो है पवित्र ग्रंथ है गीता उसको उठा के देख लो, तीनों जगह आप पाओगे मानवता सर्वश्रेष्ठ है। मानवता क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। फिर धर्म की बातें आती हैं। और याद रखिए एक चीज़ और, कि हर एक धर्म में कुछ ना कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ ना कुछ गलत प्रथाएँ हैं हर एक धर्म में। देखिए एक अच्छे इंसान के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं तो कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, ये एक सिंपल सी बात है। कोई भी इंसान होगा अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकता, हर इंसान के अंदर कुछ पॉजिटिव होती चीज़ें होती हैं तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, होती ही होती हैं, कोई व्यक्ति 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता। इस तरह से कोई भी धर्म 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो हर धर्म में कुछ न कुछ कुरीतियाँ होती हैं, कोई न कोई ऐसी प्रथाएँ होती हैं जो उस धर्म पे अंगुली खड़ा करती हैं। जिस तरह से मैं तो कहता हूँ, जिस तरह से हमारे भारतीय संविधान को बनाया गया, जो हमारी संविधान सभा गठित हुई थी, टॉपिक से मैं हट रहा हूँ लेकिन क्योंकि आज हमारा मुद्दा ही क्या है, सामाजिक और धार्मिक कारण, तो आज मैं बात कर सकता हूँ इस मुद्दे पर। जिस तरह से हमारा संविधान दोस्तों बनाया गया, जब संविधान बनाने की बात आई तो जो संविधान सभा थी इसने कहा कि हम सारे देशों के संविधानों को मिला करके बनाएंगे। अरे भाई क्यों हमने मूल अधिकारों को अमेरिका से लिया, क्यों हमने जो है राज्य के नीति से तत्वों को जो है आयरलैंड से लिया, फ्रांस से गणतंत्र लिया, जर्मनी से वहाँ वाइमर संविधान से वहाँ से आपातकाल लिया, संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से लिया, कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया, क्यों आप सोचो क्यों, क्या वजह थी। हम अपना नहीं बना सकते थे, हम 200-300 लोग मिलकर के अपने संविधान बना दिए होते, हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया, हमने दूर दराज के देशों के संविधान को पढ़ा, उनके नियमों को जाना समझा परखा, हमको लगा उनके यहाँ ये चीज़ें अच्छी हैं, उस चीज़ को उठा करके हमने अपने संविधान में रख लिया। और आज जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमको एक लाइन नज़र आता है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है भारतीय संविधान, साथ ही साथ पहला भी, पहला सबसे बड़ा और लिखित संविधान किसका है, भारत का। क्या भारत के अलावा कोई देश नहीं था, था, लेकिन किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया। हर देश का अपना संविधान है, हमारा संविधान कैसा, हमने सबको मिला लिया। दोस्तों धर्म में भी ये बातें लागू होनी चाहिए।
धर्म में भी ये बातें लागू होनी चाहिए। किसी के धर्म की जो अच्छी बातें हैं उसको आप जो है वहां से उठा लो, किसी के भी धर्म की, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख संप्रदाय हो हमारा, चाहे वो जो है पादरी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई भी हो, किसी के धर्म की जो अच्छी बातें हैं उसको हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए, और यही एक हमें अच्छा मानव बनाता है, एक सभ्य मानव बनाता है। ठीक है, चलिए टॉपिक से मत भटकिए। तो कुल मिला जुला के जो अंग्रेज थे वो भारतीयों को बर्बर, असभ्य, कट्टर, बेईमान ये कहकर बुलाया करते थे। यहाँ तक कि इतना ही नहीं, ये तो कुछ चलने लायक है, इसके अलावा भारतीयों को संज्ञा दिया जाता था काले की। ये तो रंगभेद की नीति आ गई यहाँ पर। हाँ, तो आई ही थी, जैसे अफ्रीका में थी उस तरह से हमारे भारत में भी थी। 19वीं सदी का जो शुरुआती दौर था उस समय चीजें हावी भी हो चुकी थी। तो भारतीयों को काले शब्दों से बुलाया जाता था, उनको कुत्ता शब्द बोला जाता था, उनके लिए सुअर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, और इसके कई सारे प्रमाण भी हैं। ठीक है, तो ये अंग्रेजों की चीजें थी जो अंग्रेज भारतीयों के साथ करते थे, और इधर मैंने बताया यूरोपियों के साथ। तो एक बात तो पक्का है कि जो अंग्रेजों का दृष्टिकोण था ये दोनों को लेकर के अलग अलग था। ठीक है, अंग्रेजों का जो दृष्टिकोण था ये क्या था, अलग अलग था, और इस वजह से जो भारतीय व्यक्ति थे, चाहे वो हिंदू रहे हों चाहे मुसलमान रहे हों, उनके मन में जो सहन शक्ति होगी एक न एक दिन यह सहन शक्ति जो है अपनी सीमा को तोड़ देगी, और जिस दिन यह सीमा को तोड़ करके लांग देगी उसी दिन यह विद्रोह कर देगी। और वही विद्रोह तो था 1857 की क्रांति। क्या था 1857 में, लोग ऊब करके विद्रोह कर दिया और एक दूसरे का देख करके विद्रोह में कूद पड़े। सबकी अपनी समस्याएं, सब अपनी समस्या लेकर कूद पड़े। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो समझ में आ गया कि इनको काले बोला जाता था। काले को दोस्तों नाइजर बोलते हैं इंग्लिश में, NIGER याद रखेगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है इंग्लिश सेंटेंस में शब्द में, तो याद रखेगा। एक बात तो ये हो गई दोस्तों कि इनका दृष्टिकोण कैसा था। दूसरी बात है दोस्तों कि अब अगर अंग्रेज भारतीयों को असभ्य कहते ही थे और ये मानते थे कि उनके धर्म में तमाम सारी कुरीतियां हैं, तो अंग्रेजों ने इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास भी किया। ठीक है, अब वो कुरीतियां कौन सी थी जिसको अंग्रेजों ने दूर किया और किस समय में। तो दो समय में दोस्तों कुरीतियां दूर की गई हैं। एक, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का गवर्नर जनरल बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, एक तो इनके समय में अच्छी खासी दूर हुई है, अच्छी खासी, और इनके अलावा दोस्तों डलहौजी के समय में। ये दो समय ऐसा था जिस समय बहुत सारी कुरीतियों का अंत किया गया। लेकिन कुरीतियों का सबसे पहले अंत किसने किया, तो कई सारी चीजें थी। जैसे आपने शायद नहीं जानते होंगे कन्यावध के बारे में, कन्यावध के बारे में जानते हैं, जब भी कोई बेटी पैदा हो जाती थी घर में तो उसका वध कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि जो लड़के होते थे उनको वंश का अगला हिस्सा माना जाता है कि वो हमारी जनरेशन को बढ़ाएंगे, लेकिन कहा जाता था कि बेटियां हमारी जनरेशन को नहीं बढ़ाएंगी। तो बताइए, अगर आज के समय से आप कंपेयर करो तो बताओ, सच बताओ कि ये असभ्यता है कि नहीं। देखिए, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है सही गलत की बात कर रहे हैं, हाँ ये कुरीति थी। असभ्यता मतलब क्या, असभ्यता मतलब आप सभ्य नहीं, सभ्य मतलब कि हर चीज में नहीं। जहां देखिए, आप 100 अच्छाई काम करेंगे और एक गलती करेंगे तो आपकी एक गलती गिनी जाएगी, 100 अच्छाई नहीं गिनी जाएगी। 100 बढ़िया काम करते हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बुरा काम करते हो तो उसमें बहुत बड़ी बात हो गई, उसमें बहुत बड़ी बात हो गई। समझ में आ रहा है आपको? तो वही चीजें आप याद रखो। यहाँ भी क्या थी कि हिंदुओं में और मुस्लिम धर्म में जो है बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, उनको छोड़ करके जो उनमें बुराइयाँ थी उनको देखा गया, और उनको देखा गया तो फिर आप उसको सही करो ना। तो यहाँ क्या हुआ कि कन्या वध, अगर हमारे समाज में किसी कन्या का जन्म हो जाता था तो उसका वध कर दिया जाता था, उसको मार दिया जाता था। और आज भी वो परंपराएं हैं। आज सरकार ने अधिनियम बना करके जो है भ्रूण चेकिंग पर क्यों रोक लगाया, इसीलिए रोक लगाया कि आप उसको चेक मत करो। तो पहले क्या होता था, चेक करके लोग गिरा देते थे, बच्चा गिरा देते थे, बेटी है तो गिरा देते थे। और ऐसे में बताओ, सेक्स रेशियो जो लिंगानुपात कम नहीं हुआ तो क्या होगा, बढ़ेगा। सबको लड़का चाहिए तो लड़की कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? और फिर यार क्या अंतर है लड़के और लड़की में, क्या अंतर है? कौन सा ऐसा कार्य है जो लड़का कर सकता है लड़की नहीं कर सकती है? हर काम में कर सकती है। इसीलिए हमारे संविधान में दोनों को एक समान अधिकार दिया गया, किसी भी जगह पर इनको कम नहीं आंका जा सकता, और हमारे बराबर खड़ा होने का इनको दर्जा भी दिया गया। और बिल्कुल सही भी है यार, सही भी है। दोनों एक दूसरे की आवश्यकताएं हैं, दोनों एक दूसरे की आवश्यकताएं हैं। एक लड़की के बिना एक लड़के का जीवन अधूरा होता है, और एक लड़के के बिना एक लड़की का जीवन भी अधूरा ही होता है। तो दोनों एक दूसरे की जो आवश्यकताएं हैं, यही जब दोनों आवश्यकताएं मिलती हैं तभी कुछ नया होता है। समझ रहे हैं?
तभी कुछ नया होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कन्यावध के बारे में, ठीक है, कन्यावध के बारे में। तो कन्यावध पर सबसे पहले रोक लगाया था जानसूर ने, नाम सुना होगा आपने जानसूर, बंगाल का शेर कहा जाता था जानसूर, ठीक है, जानसूर, अरे जो सहायक संधि वगैरह करता था खूब घूम घूम के, वही वाला, ठीक है। तो याद रखिए जानसूर ने सबसे पहले किया था, और कब किया था तो टाइमिंग भी याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है। 1795 में सबसे पहले इन्होंने कन्यावध के खिलाफ जो है रोक लगाया, और इसको जो है निषेध कर दिया कि कोई व्यक्ति जो है कन्या को वध नहीं करेगा, उसको मारेगा नहीं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम किया। इसके बाद बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोस्तों जो है सती प्रथा पर, राजा राम मोहन राय जी उसके लिए एक्टिव हुए थे, सती प्रथा आपको पता होगा। सती प्रथा में देखिए क्या होता था, जिस किसी महिला का पति जो है मर जाता था, उनकी मृत्यु हो जाती थी। अभी देखिए यार, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, कौन पहले आया कौन पहले मरेगा ये सब जो है संसार का नियम है, ये सब जो है अलग चीजें हैं। तो किसी का मृत्यु कब होगा ये कोई निश्चित नहीं कर सकता, और ऐसा नहीं कि आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हो, बहुत प्रेम के बंधन में बंधे हो तो दोनों एक साथ ही मर जाओगे, दोनों एक साथ ही मर जाओगे, ऐसा भी नहीं है। तो होता क्या था कि किसी ने किसी महिला का पति पहले मर गया, या फिर चलो उसकी पत्नी पहले मर गई, तो पत्नी पहले मर गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पति पहले मर गया तो उसका जो शव है उसको गोद में रख करके महिला को जिंदा ही जला दिया जाता था। कि कहाँ का न्याय है, ये अच्छी बात है? आप बताओ अगर हमारे आपके घर में अगर ऐसा हो तो क्या इस चीज को हम बर्दाश्त कर पाएंगे? तो ये कुरीति थी और इसको अंग्रेजों ने दूर किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम तो चाहते हैं कि जो गंदी चीजें हैं, जो अच्छाई है हमारे अंदर रहे, जो बुराई है वो हमसे दूर हो जाए, और दूर हो गया। तो सती प्रथा का अंत जो है किसने किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाया, ठीक है, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के, किसने, विलियम बेंटिक, याद रखिएगा विलियम बेंटिक, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ये छोटी छोटी कुप्रथाएं थी। इसके अलावा दोस्तों दास प्रथा पे आ जाते हैं, ठीक है। दास प्रथा क्या था, दास प्रथा में दोस्तों आपको पता होगा किसके साथ, फिरोज शाह तुगलक के पास जो है सबसे ज्यादा दास थे। दास क्या होता थे, दास खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, नौकर यार, दास माने ऐसा नौकर जो आजीवन आपकी सेवा करे, ऐसा नौकर जो आजीवन आपकी सेवा करे, उसके कोई लड़के मतलब उसकी कोई जिंदगी नहीं, उसका जन्म इसीलिए हुआ है आप उसको जो कहोगे वो करेगा, ये वो दास। तो दास प्रथा का अंत किया गया, अच्छी बात है। अच्छा, लोगों को दास बनाकर रखना, आज हमारे समाज में हमारे समाज में चीजें हैं, जैसे हम जो है बधुआ मजदूरों के खिलाफ अधिनियम आ चुका है, कानून आ चुका है कि नहीं। तो जिस तरह से बधुआ मजदूर थे, बस उन्हीं का जो है एक प्रोफार्मा था, ठीक उसी तरह से वो चीजें दास प्रथा में भी थी। तो दास प्रथा का अंत किया एलन बरो ने 1842 से 43 के दौरान, ठीक है, याद रखिए दास प्रथा ये 1842-43 के दौरान जो है लॉर्ड एलन बरो, क्या नाम था, लॉर्ड एलन बरो, ठीक है, इसको लॉर्ड एलन बरो जो है समाप्त करता है दास प्रथा का। थोड़ा सा और आगे चलिए दोस्तों, नरबलि प्रथा के बारे में आपने सुना होगा, नरबलि प्रथा के बारे में। नरबलि में क्या हो जाता था कि व्यक्तियों की बलि दी जाती थी, व्यक्तियों की, बच्चों की। आज तो व्यक्तियों की बलि नहीं दी जाती है, लेकिन आज भी बहुत सारे जीव जंतुओं की बलि दी जाती है, ठीक है, कई जगह पे दी जाती है, क्या कि यहाँ पे मांगता है, ठीक है, बलि होनी चाहिए। जब कहीं नया पुल बन जाता है, नया घर बन जाता है, कुछ होता है तो बलि मांगता है। ऐसी एक प्रथा है, ऐसा एक अंधविश्वास है, चाहे उसको अंधविश्वास कह लो चाहे जो भी कहो, ठीक है, अपनी जगह है। बट यहाँ याद रखो नर बलि प्रथा, ठीक है, इसका भी समय आ गया था अंत होने का 1844 में, जो है दोस्तों कैंपबेल का नाम सुना था आपने 1857 की क्रांति के दौरान। कैंपबेल ने लॉर्ड हार्डिंग के कहने पर जो है लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, गवर्नर जनरल थे, इनके साथ मिल करके जो है इसने नरबलि प्रथा का अंत किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारी कुरीतियाँ थी छोटी छोटी जिनको दूर किया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, और कुरीतियों के बारे में बताऊँ, जैसे बाल विवाह, लोग बच्चा रहता था तभी उसका विवाह कर दिया जाता था। अरे कोई ये नहीं सोच रहा है कि जो बच्चा है उसका मानसिक विकास कैसे हो, वो कैसे जीवन में प्रवेश करे, कुछ अच्छा करे, कुछ संस्कार करे, कुछ आगे बढ़े, सब कुछ छोड़ कर पहले ही उसको क्या कर दिया, उसका विवाह कर दिया गया, पहले ही वो क्या कर लिया, संभोग पर आ गया, और संभोग करके बच्चों को ला दिया, बस उनको खाने जिलाने की व्यवस्था कर रहा है। तो बाल विवाह बहुत गलत चीज़ें थी, बाल विवाह, ठीक है। तो बाल विवाह जो है उसके लिए रोकने के लिए उसके लिए अधिनियम आया, तो पता ही होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो बाल विवाह
अधिनियम, ठीक है। बाल विवाह की तरह दोस्तों और भी बहुत सारे अधिनियम थे, जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। अब जो विधवा महिलाएं थी, मतलब जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी, सती प्रथा के बाद हमको मरना नहीं, 1829 में कानून बन गया। तो मान लीजिए इसका पति मर गया, वो महिला अकेली हो गई, तो अब आगे का जीवन निर्वाह उसका कैसे हो, क्योंकि पहले की महिलाएं जो थी वो उतना ज़्यादा पढ़ी लिखी तो होती नहीं थी और उतना ज़्यादा रोजगार भी तो नहीं था कि वो कुछ कर सकें, ठीक है। तो उनकी शादी हो जाती थी तो पति के ऊपर डिपेंड हो जाती थी। अब अगर पति ही नहीं रहेगा तो उनका जीवन निर्वाह कैसे होगा, कैसे होगा जीवन निर्वाह। तो ऐसे में दोस्तों क्या आया कि उनका जो है पुनर्विवाह करने का उनको जो एक अवसर दिया जाए कि उनकी दोबारा विवाह भी हो सकता है, उनका दोबारा विवाह भी हो सकता है। तो इसके लिए अधिनियम बना दोस्तों, याद रखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है। इससे अगर किसी का घर बस रहा है, यही तो मानवता है यार, यही तो मानवता है। मानवता क्या है, मानवता क्या है बताइए? मानवता यही है ना कि आप जीवन पर्यंत लोगों की सेवाएं करते रहे, यही मानवता है, यही सबसे बड़ा धर्म है। मानवता ही धर्म है, मानवता ही क्या है, धर्म है। हम समझते हैं कि धर्म मानवता नहीं, मानवता ही धर्म है, याद रखिए। चलिए, तो ये कुछ तो अच्छी चीज़ें थी जो अंग्रेजों के द्वारा लाई गई। इसके अलावा दोस्तों जो अंग्रेज थे वो एक चीज़ का और विस्तार करना चाहते थे, अंतर जातीय विवाह। काश की लादी होते, हमारे जीवन में क्रांति आ गई होती। हाँ, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार अंतर जातीय होने की वजह से जो है, अरे इंटर कास्ट होने की वजह से मोहब्बत तो कर लिया, बस पा नहीं पा रहे हैं, तो होती है चीज़ें। तो अंतर जाति विवाह के भी पक्षधर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। अच्छा देखिए, जब इन सारी चीज़ों का विरोध किया गया, अधिनियम बनाया, अंग्रेजों ने इसका रोक लगाया, तो जो हमारे यहाँ के कट्टरपंथी व्यक्ति थे, जो पंडित थे, जो मौलवी थे, मतलब ये लोग क्या, मतलब जैसे हिंदुओं में हर आदमी विद्रोह नहीं करेगा, इनका एक नेता होगा जो इससे संबंधित विद्रोह करेगा, तो इनका नेता पंडित था। जो मुस्लिम थे उनका नेता मौलवी था, और कुछ समाज के कट्टरपंथी वाले लोग, इन सभी लोगों ने मिलकर के, मैं क्या बता रहा हूँ आपको सुनिए ध्यान से, पंडित लोगों ने मिलकर के, मौलवी लोगों ने मिलकर के, और साथ ही साथ जो कट्टरपंथी थे, इन लोगों ने मिलकर के इस बात को प्रचारित किया कि अंग्रेज हमारे धर्म के ऊपर क्या करा रहे हैं, बंदिश लगा रहे हैं, भगवान माफ नहीं करेगा, अंग्रेज क्या कर रहे हैं धर्म के ऊपर बंदिश लगा रहे हैं, ये तो हमारे आत्मसम्मान पर हमला कर रहे हैं। और पता है, कोई आदमी जैसे ही धर्म की बात आती है जाग जाता है, तुरंत जाग जाता है, यार कैसे हो गया ऐसा, मतलब वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन धर्म के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इन तीनों लोगों ने मिलकर क्या किया कि लोगों को जगा दिया, इसको इस समस्या को, सारी ये जो कुरीतियाँ थी उसको लाके जोड़ दिया भारतीय धर्म से, और इस तरह से लोग विद्रोह पर उतर आए, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए कि अंग्रेजों द्वारा उठाया गया यह कदम बिल्कुल गलत है। और आप तो जानते हैं कि भारतीय समाज में धर्म कितना इम्पोर्टेंट है, सब कुछ छोड़ो धर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको रोजगार नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, हमको उचित शिक्षा नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, हमको शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, हमको जो है सारी मूलभूत सुविधाएं जो भी होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, हमको कुछ नहीं मिलेगा, हम सब कुछ सही है लेकिन हमारे धर्म के खिलाफ कोई बातें मत करना। ये हर धर्म का अपना एक जो है जोश होता है, जबकि लोग भूल जाते हैं कि धर्म बेहतर कैसे होगा, जब हमारा देश बेहतर होगा, जब हमारा समाज बेहतर होगा तभी धर्म बेहतर होगा, जब सब कुछ बेहतर होगा तभी तो धर्म बेहतर होगा। भाई देखिए, आप बताओ, जैसे अच्छी चिकित्सा ना होने की वजह से लोगों की तबीयत खराब हो जाए, लोग मरने लगे, तो ऐसे में क्या बहुत अच्छा धर्म है? तो मेन चीज़ें जो मूलभूत चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, और उसके साथ धर्म चलता है। जब हम खुश होते हैं तब धर्म चलता है, अदरवाइज जब कुछ रहेगा ही नहीं तो हम लोग अपने में ही लड़कट के मर जाएंगे, यही धर्म है? नहीं, ये धर्म नहीं है, लेकिन आज के समय में यही धर्म है, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला जुला के एक लाइन की बात कहूँ कि धर्म क्या है, तो धर्म जीवन की धुरी है। आज के समय में या पहले के समय की बात कर लो तो धर्म क्या है, तो धर्म जो है ये जीवन की धुरी है, ऐसा लोग समझते थे। धुरी है, धुरी था, जो भी कह लो, ये लोग समझते थे, ठीक है। और पंडित मौलवी और कट्टरपंथियों ने इस चीज़ को हवा दिया, और हवा देने के बाद जो है लोगों में विद्रोह की भावना का जन्म हुआ, ठीक है, कि अंग्रेजों को हम बोल नहीं रहे हैं तो अंग्रेज जो है हमारे खिलाफ तमाम चीज़ें निकालते जा रहे हैं, हमारे धर्मों के खिलाफ। देखिए, जब अब वो कहते हैं, अब भारतीय लोग कहते हैं कि हमारे खिलाफ बोलें तो हम चुप रहेंगे, हमारे परिवार के खिलाफ बोलें तो हम चुप रहें, अरे तभी तो तुमको बोलना चाहिए था,
और हमारे धर्म के खिलाफ कैसे बोल दिया। तो ये बिल्कुल सही है कि धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ धर्म की कुरीतियों के खिलाफ बोलना चाहिए। देखिए धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। मुस्लिम धर्म कैसा है, अच्छा है, लेकिन उसमें एक कुरीति थी। क्या कुरीति थी? जो पिछले साल जो है 3 तलाक वाला जो का मामला आया था, वो एक कुरीति थी, उसको दूर किया गया तो बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए। तो धर्म अच्छा है, लेकिन धर्म के अंदर कुरीतियाँ वो बुरी हैं। धर्म बुरा नहीं है, धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ हैं वो बुरी हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो कुल मिला जुलाकर जितनी बातें थी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, भारतीयों के मन में होता क्या था कि हमारा आप शारीरिक राजनीतिक अन्याय हमारे ऊपर करो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा धार्मिक उत्पीड़न मत करो। ठीक है, आप हम पे राजनीति करो। आज भी हमारे ऊपर शारीरिक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक तरह से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। कैसे? आपका एग्जाम फला डेट को है, टाल दिया गया। अब फला डेट को होगा, फिर टाल दिया गया। अब फला डेट को होगा, हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर नहीं होगा, हम चुप हैं। ये क्या है? यही तो मानसिक रूप से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हम तैयारी करते हैं, पेपर आउट हो गया, बिक गया, ये क्या है? यही तो मानसिक प्रताड़ना है, और क्या है? और क्या है भाई, यही चीज है ना। तो आज हमको मानसिक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, आज हमको शारीरिक तरीके से भी प्रताड़ित किया जा रहा है। कैसे कैसे बताओ? सही समय पे सरकार का सही डिसीजन न होना हमें शारीरिक रूप से परेशान कर सकता है, हमें शारीरिक रूप से परेशान कर सकता है। कालाबाजारी वगैरह उठा लो, या जैसे जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुआ था। तो ये सही समय पे सही डिसीजन अगर नहीं होगा तो उसका लाभ भी नहीं मिलेगा और उससे शारीरिक दिक्कतें भी बढ़ेंगी। तो शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक तरीके से हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। आज राजनीतिक तरीके से हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। बजट रहता है, खूब लंबी लंबी लाइनें होती है, हमारे बजट में इस चीज़ की व्यवस्था किया गया, इस चीज़ की व्यवस्था किया गया, इस चीज़ की व्यवस्था किया गया। अरे यार, हमको तो कुछ दिखता ही नहीं किस चीज़ का व्यवस्था किया गया, हमको तो कुछ नहीं दिखता। तो कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने जो कहा था उसमें से कितना किया। विदेशों में दोस्तों जो कानून है, वहाँ के नियम होता है कि जो कुछ भी आपने कहा है बजट में वो आपने पूरा किया या नहीं किया, तो उसके लिए अगले साल एक कमेटी बैठती। यहाँ क्या कुछ नहीं। और कुल मिला जुला करके हमारे इतिहास को हमारे लोगों ने, हमारे राजनेताओं ने पढ़ा है, उनको भी पता है कि व्यक्तियों का आप समाज जो है शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से शोषण कर लो, लेकिन जैसे ही धार्मिक मामला ला दोगे वो क्या हो जाएंगे, फिर से सब कुछ भूल करके एकजुट हो जाएंगे और जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चल देंगे। तो यही चीज़ें हुई। तो यही कॉन्सेप्ट जो अंग्रेजों का था और यही कॉन्सेप्ट आज भी लोग आजमा रहे हैं, जो राजनेता हैं आज भी लोग आजमा रहे हैं। चलिए बात खत्म करिए, मुद्दे पे आता हूँ। 1813 में दोस्तों मैंने बताया आपको कि ईसाई मिशनरियों का प्रवेश प्रारंभ हो गया था, उनको अनुमति दे दी गई कि वो भारत आके क्या कर सकते हैं, अब जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको पहले बता दिया कि इनको कंपनी का संरक्षण भी मिल गया था। कंपनी का एक अध्यक्ष था दोस्तों जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर था, जिसका नाम था मैंजिलस। क्या नाम था? याद रखिए, मैंजिलस। ठीक है, मैंजिलस। ये जो है ये इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब होता है लोकसभा, वहाँ की जो लोकसभा थी, जो निचला सदन था, ठीक है, उसमें जो है भाषण दे रहा था। उस भाषण में उसने कुछ वक्तव्य कहा। क्या कहा? उसने कहा कि परमात्मा ने हिंदुस्तान की सरजमी या हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए सौंपा है ताकि हम अपने धर्म का पताका हिंदुस्तान तक फहरा सके, हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक हम अपने धर्म का पताका फहरा सके। उनके धर्म का पताका क्या था? मतलब ईसाई धर्म को हम प्रचारित कर सकें, मां उसको फैला सकें, यही एक उद्देश्य था कि इसका मैंजिलस ने भाषण में कहा है। वो भी लोकसभा जो इंग्लैंड की थी वहाँ पर, जो है लोकसभा में जो है संसद के अंदर, वहाँ पर भाषण में कहा था कि हम ये काम करने आए थे। कुल मिला जुला कर ईसाई मिशनरियों का तेजी के साथ संरक्षण दिया रहा था, तो उनके लिए एडवर्टीजमेंट की पूरी व्यवस्था की जा रही थी कि आप जो है घूम करके खुलकर प्रचार प्रसार करिए। ये चीज़ें थी। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारी जो प्राथमिक शिक्षा थी, हमारे जो स्कूल थे, एक एक लाइन समझते जाइए, हमारे जो स्कूल थे उसमें भी बाइबल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। ध्यान से सुनते जाइए खाली पॉइंट, ठीक है। हमारे जो स्कूल थे दोस्तों, जो स्कूल थे, कॉलेज थे, उनके अंदर भी बाइबिल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया कि बाइबिल पढ़ना जरूरी है, आपको बाइबिल जो है पढ़ाया जाएगा, इसके पढ़े बिना आप जो है शिक्षित नहीं माने जाओगे। मतलब शिक्षा में चीज़ जरूरी है, अनिवार्य कर दिया गया कि करना ही करना है। इतना ही नहीं दोस्तों, पुलिस बल का प्रयोग करके जबरदस्ती
कहीं कहीं धोखे का प्रयोग करके लोगों का धर्म परिवर्तन भी शुरू कर दिया गया। क्या करना, धर्म परिवर्तन भी। अभी तक क्या था कि जो कुरीतियां समाप्त कर रहे थे बहुत अच्छी थी, लेकिन ये चीजें गलत है। किसी का देखिए धर्म परिवर्तन करना, वो भी धोखे से, वो भी पुलिस बल के माध्यम से जबरदस्ती, ये चीजें गलत है। देखिए धर्म हमारी एक आस्था होती, धर्म क्या है, धर्म हमारी एक आस्था है, एक रुझान है कि हमारा जो है मन कहाँ जाकर शांत होता है, किस दरबार में जाकर शांत होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन भगवान के यहाँ शांत होता है, कई बार ऐसा, मतलब हर चीजों का अलग अलग मंडला है। जैसे हमारा है, हमारा मन जो है सामाजिक कार्य में जब करता हूँ, मतलब लोगों की मदद करना, लोगों का हेल्प करना, सहायता करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए काम करना, मैं मतलब इसको सोचकर मैं यही करके खुश रहता हूँ, इसी यही मेरी खुशी है, अब मुझे यही करके मज़ा मिलता है। तो बहुत सारे लोग हैं, किसी का मज़ा दोस्तों इसमें मिलता है कि हम खूब पैसा कमा लें, खूब बढ़िया बिल्डिंग बना लें, दिल्ली कलकत्ता बम्बई में हमारी ज़मीन हो जाए। मेरा मन नहीं करता है, मेरा मन नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं होती है सब करने की। मेरी इच्छा होती है कि मेरे पास 2-4 करोड़ हो तो मैं उससे एक हॉस्पिटल खोल दूँ, उस हॉस्पिटल में इतनी मशीनें ला के रख दूँ जिसका जो चार्ज है एकदम कम कर दूँ, मतलब जो मिनिमम कास्ट है उस कास्ट पर मैं लोगों की मदद कर सकूँ। बस इतना पैसा उसमें से आए कि वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी मिल जाए, वहाँ साफ सफाई हो जाए, और इतने कम से कम दामों में, मतलब एक NGO जिस तरह से काम करता है उस तरह से चीज़ें हों, उस तरह से चीजें हो, और जो चीजें हो मेरे नाम से ना हो। लालच बुली बला है, कभी भी किसी के मन में लालच आ सकती है, इसलिए मैं शुरू से ही चाहता हूं कि जो भी इस तरह की चीजें हो वो शुरुआत से ही सामाजिक लोगों के नाम हो, वो एक ट्रस्ट हो, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो, खुद स्वयं मेरा भी अधिकार ना हो, स्वयं मेरा भी अधिकार ना हो, क्योंकि लालच बुरी बला है, कभी भी किसी के मन में भी लालच आ सकता है। तो मैं उस चीज से बहुत दूर रहने का प्रयास करता हूँ, उस चीज से मैं बहुत दूर रहने का प्रयास करता हूँ। ऐसे लोगों का भी होना चाहिए, बात की ठीक है। तो समझ आया, तो यहाँ पे क्या किया गया, धर्म परिवर्तन किया गया, मतलब लोगों की आस्था के साथ खेला गया, लोगों के साथ जोर जबरदस्ती किया गया। इसी बीच में दोस्तों एक अकाल आया था 1837 में, बता दूँ बहुत बीहड़ अकाल था, 800,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस अकाल में जितने लोग अनाथ हो गए थे उन अनाथों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया। छी छी छी, ये तो एकदम दरिंदगी हो गई है यार, इससे ज़्यादा तो गिर ही नहीं सकता है कोई। अनाथ, जो अनाथ है जिनके माँ बाप की मृत्यु हो गई है, जिनको अभी संभालने की ज़रूरत है, या उस अकाल में मदद की ज़रूरत थी, अंग्रेज लोग मदद ना करके किसमें लगे थे, धर्म परिवर्तन लगे थे। ये चीज़ें क्या है, ये मतलब एकदम निम्नतम स्तर था अंग्रेजों का, ठीक है। इतना ही नहीं दोस्तों, अंग्रेजों ने जेल के अंदर भी जो है पादरियों के माध्यम से लोगों को शिक्षित कराना शुरू कर दिया। गोपीनाथ एक व्यक्ति था पश्चिम बंगाल का, जो उस समय जेल में बंद था, जिसने लिखा है कि जेल में लोगों को जो है शिक्षा दिया जाता था बाइबिल की, लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताया जाता था। आपने सुना होगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में, उन्होंने भी इसके बारे में जो है लिखा है कि जेलों के अंदर जो है पादरी लोग जा करके जेल के अंदर जो बंद सैनिक होते थे या जो भी व्यक्ति होते थे, ठीक है, उनको जो है बाइबिल की शिक्षा देते थे और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में जानकारी देते थे। ये क्या था हा? अच्छा, उसके अंदर कई बार आपने सुना है कि पहले बर्तन ले जाते थे लोग, अपना अपना बर्तन ले जाते थे, उसी में खाना खाते थे। बर्तनों को बंद करा दिया गया ताकि सबको एक में खाना खिलाया जा सके, ठीक है, और उससे क्या हो, इनकी भावना को आहत पहुंचे, ये धर्म परिवर्तित कर ले, कुछ इस तरह की चीजें छोटी छोटी की जाती थी, याद रखिए। इसके अलावा दोस्तों जो बड़े अधिकारी थे, बड़े अधिकारी भी राम, हिंदुओं के मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान श्री राम, उनके बारे में भी गलत बातें बोलते थे, और मुसलमानों के जो प्रिय थे मुहम्मद, उनके बारे में भी गदल बोलते थे, उनको गालियां देते थे और कहते थे कि आप जो है हमारे धर्म को अपना लो। सैनिकों को प्रेरित करते थे, सैनिकों को जबरदस्ती प्रताड़ित भी करते थे, दोनों ही तरीके से उनको कहते थे तुम ईसाइयत ग्रहण कर लो, तुमको ऊंचे पद पर भेज देंगे। कहीं ना कहीं उनको लालच दे करके, उनके ऊपर जोर जबरदस्ती कर करके, उनके ऊपर जो है चीज़ों को, प्रशासनिक चीज़ों को थोप करके, मतलब हर तरीके से ये सिर्फ हो सके कि लोग ईसाई बन जाए, एक ही टारगेट कि पूरा भारत ईसाइयत को ग्रहण कर ले, इतना ही चीज़ें थी। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने आगरा में अपना एक प्रिंटिंग प्रेस भी खोल दिया, जहाँ पर बाइबिल से संबंधित पुस्तकें छपती थी और लोगों में वितरित की जाती थी कि लोग उनको पढ़ें और पढ़ करके हमारे धर्म को जो है ग्रहण करें। अंग्रेजों ने और भी चाल बढ़ाया। चाल कैसे बढ़ाया, जो मंदिर और मस्जिद की जायदाद थी, जो सामाजिक कल्याण के लिए जो ज़मीनें थीं, उन पर जो है टैक्स लगा दिया, उन पर जो है कर लगा दिया, ताकि जो है उनसे लोगों को मुँह मोड़ सकें और अपने धर्म की तरफ ला सकें। इतना ही नहीं दोस्तों, 1850 में
एक बहुत बड़ा कानून आया था, लेक्स लेटो कानून, ठीक है, याद रखिए। तो बहुत बड़ा कानून आया था 1850 में, ठीक है, याद रखिए। इसका नाम था धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, लेक्स लोकी कानून, ठीक है, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, शॉर्टकट में इसको दोस्तों लेक्सी कानून भी बोलते थे। क्या बोलते थे? लेक्सी कानून, ठीक है, लेक्सी कानून। तो याद रखिए ये आया था 1850 में। कब आया था? 1850 में। ये दोस्तों धार्मिक अयोग्यता कानून था क्या? तो इनका दोस्तों बस एक ही उद्देश्य था इस कानून का, कि जो भी हिंदू रीति रिवाज है उन रीति रिवाजों में परिवर्तन ला दिया जाए, जो हिंदू रीति रिवाज है उस रीति रिवाज में परिवर्तन लाया जाए। कैसे? दोस्तों एक नियम था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय व्यक्ति यदि ईसाई धर्म को ग्रहण करता है या किसी भी दूसरे धर्म में जाता है तो वो अपनी पैतृक संपत्ति को खो देता है। नियम था, ठीक है, वो अपनी पैतृक संपत्ति को खो देता है। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से ये किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को ग्रहण करेगा तो भी उसका नाम उसके पैतृक संपत्ति से कोई हटा नहीं सकता, ताकि लोग प्रमोट होकर के इस धर्म में जा सकें। जैसे कुछ लोग इस वजह से नहीं आते थे ईसाई धर्म में, क्योंकि वो अपनी पैतृक संपत्ति को खो देंगे, मतलब उनकी जो पिता की संपत्ति है उसमें उनको हिस्सा नहीं मिलेगा, इस डर से नहीं आते थे। तो अंग्रेजों ने पूरा कानून ही ला दिया कि ईसाई धर्म को अगर आप ग्रहण करोगे तो भी आपको आपके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, आपका उसमें हिस्सा होगा। और इसी नीति के साथ साथ दोस्तों डलहौजी ने भी तो एक काम किया था, पता है क्या? गोद लेने की प्रथा पर निषेध लगा दिया था इसी अधिनियम से। गोद लेने की प्रथा पर निषेध लगा दिया था, मतलब क्या था दोस्तों? करा कि जिन लोगों के पास उनके अपने स्वयं के बच्चे नहीं होते हैं वो किसी दूसरे को गोद नहीं ले सकते हैं। और खासकर जो राजा रानी होते थे, बहुत बार ऐसा होता था कि जो राजा रानी होते थे उनके बच्चे नहीं होते थे, बच्चे ना होने की दशा में वो क्या करते थे? वो गोद लेते थे, और गोद लेकर के जो बच्चा होता था अगला राजकुमार वो घोषित हो जाता था। लेकिन डलहौजी को तो क्या करना था? सारे राज्यों को, सारे छोटे छोटे देसी रियासतों को, रजवाड़ों को तो अपने अंदर शामिल करना था। ऐसे में उसने कानून बनाया कि कोई भी व्यक्ति अब गोद नहीं ले सकता, ताकि उसके राज्य को हड़प नीति के द्वारा क्या सके, उसको हड़प करके अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। कुल मिला जुलाकर दोस्तों अंग्रेजों का जो दृष्टिकोण था फाइनली भारतीयों के प्रति बहुत ही गंदा था, और यूरोपियों के प्रति बहुत ही अच्छा था। यह हमको सीखने को मिला इस सामाजिक धार्मिक कारण में। अब दोस्तों पर्याप्त हो गया ना, इतना तो बहुत है ना, इतने में तो आप बहुत कुछ कर लेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और कारण का वर्णन कर देते हैं दोस्तों। अब की मैं बात करता हूँ आर्थिक कारण के बारे में, और ये आज की आखिरी टॉपिक होगी, छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आर्थिक कारण के बारे में बात करते हैं। आर्थिक मतलब जो इकोनॉमिक रीजन था 1857 की क्रांति का। अच्छा, जो ये सामाजिक धार्मिक कार्य था, इसके कारण लोगों का मन आहत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगर लोगों को मौका मिले कि वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएं तो लोग उठाएंगे कि नहीं? हाँ, उठाएंगे। बस 1857 में क्या हुआ, उनको एक आवाज़ मिल गई, जिस आवाज़ में अपनी आवाज़ डाल करके उसको बुलंद कर सकते थे, और लोगों ने कर दिया, यही काम हुआ था। आर्थिक कार्य की बात करो दोस्तों, तो अंग्रेज तो आर्थिक शोषण करने में पीएचडी किए हुए थे। क्यों? अंग्रेज जो थे वो आर्थिक शोषण करने में, कैसे आर्थिक शोषण करना है इसमें उनको जो है पीएचडी की डिग्री मिली हुई थी, डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई थी, इसमें डॉक्टर थे, समझ रहे हैं। उनको नहीं सिखाना था कि किस तरह से लोगों का आर्थिक शोषण करना है, उनको हर तरह से पता था कि कैसे खून का एक एक रक्ता चूस जाना है, ये उनको पता था, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ूं तो आपको पता होगा शुरुआत में अंग्रेजों ने क्या किया कि जो भारतीय भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन ला दिया, जो भारतीय भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन लाया, जिसके वजह से जो किसान थे, जो कृषक थे, उनकी स्थिति क्या हो गई? दयनीय होती चली गई। जमींदार जो थे वो मजबूत होते चले गए, जमींदार किसानों का शोषण करना शुरू कर दिए, शोषण करके अपने पास पैसा भरना शुरू कर दिए। किसान जब एकदम कंगाल हो गए, ठीक है, जब उनका एकदम खून चूस करके अंग्रेजों ने अपना राजकोष भर लिया, तो उसके बाद आपको लगता है जमींदारों को छोड़ दिया क्या? अरे जमींदारों के लिए अलग से अधिनियम नहीं लाया गया था, बताइए, अलग से कमीशन आया था उनके लिए। उस कमीशन में उन्होंने क्या बताया था? उस कमीशन में उन्होंने कहा था कि जो भी जमींदार होंगे उनकी संपत्तियों का जाँच किया जाए, ठीक है, और संपत्तियों का जांच करके जो आवश्यकता से अधिक संपत्तियां हैं उनको जो है हमारे कोष में शामिल किया। तो किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा,
इन्होंने किसी को नहीं, तो किसानों की अवस्था यहाँ से जो है बिगड़ गई। इतना ही नहीं दोस्तों, जब किसानों की स्थिति खराब होने लगी, यानी जो उनका पारंपरिक, अच्छा ये तो किसानों वाली बात रही दोस्तों, जो लोग उद्योग से जुड़े हुए थे, जैसे लघु या कुटीर उद्योग से जो लोग जुड़े हुए थे उनकी अगर बात करूं, तो पारंपरिक उद्योग भी जो थे वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगे। अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि जो हमारे यहाँ के पारंपरिक उद्योग थे, लघु और मध्यम उद्योग थे, ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, लघु भी आ जाते हैं और कुटीर भी आ जाते हैं। अरे कुटीर मतलब यार जैसे बीड़ी बनाना, मोमबत्ती बनाना, ठीक है, इस तरह के अगरबत्ती बनाना, तो उस ज़माने में छोटे छोटे उद्योग विकसित थे। जैसे उस समय तो ये नहीं होता था, उसमें बेना बनाया जाता था, कुरी बनाया जाता था, तो छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती थी, उनको जो इन्होंने नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने। कैसे नष्ट कर दिया अभी बता रहा हूँ, सुनते जाइए अभी नष्ट क्या क्या किया। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, जो हस्तशिल्पकार थे, मतलब हाथ की कला से बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते थे, जो दस्तकार थे, मैं क्या बता रहा हूँ, जो दस्तकार थे, जो हस्तशिल्प कलाकार थे, ठीक है, हस्तशिल्प कलाकार थे, ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो बनाई जाने वाली चीज़ें थी, उनके भी बिजनेस को, उनके भी उद्योग को लोगों ने नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने, और इस तरह से वो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं सूती वस्त्र उद्योग की बात करूँ, तो सूती वस्त्र उद्योग जो था ये ढाका में, सूती वस्त्र उद्योग की बात करूं तो ये दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग में ढाका का बहुत बड़ा नाम था। अंग्रेजों ने ढाका को ऐसा नष्ट किया कि ढाका ढक गया। ढाका अपने ज़माने का मैनचेस्टर कहा जाता था, भारत का मैनचेस्टर एक ज़माने में किसको कहते थे, ढाका को कहते थे। मतलब मैनचेस्टर जो कि इंग्लैंड का एक जगह है जहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, इस तरह से भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता था, तो ढाका को कहा जाता था। ढाका को इन्होंने ढक दिया, ऐसा नष्ट किया कि दोबारा कभी भी ढाका का नाम किसी ने नहीं सुना। आज तक सुना आपने, आज तक आपने नाम सुना ढाका का, नहीं सुना ना, तो उन्होंने ऐसा ढक दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, याद रखिए जो ब्रिटेन के तैयार माल थे या जो इंग्लैंड के तैयार माल थे, उससे पूरी भारतीय मंडी पटी पड़ी हुई थी। इतना ज़्यादा, देखिए हमारे यहाँ से कच्चे माल ले जाते थे, अपने यहाँ उसको उत्पादित माल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिर वापस भारत लाते थे और हमको महंगे दामों पर बेच देते थे। दोस्तों अब मैं बताऊं कि कैसे सारे उद्योग धंधे नष्ट हुए। देखिए होता क्या था, उद्योग धंधे नष्ट कैसे हुए, आपका थोड़ा सा इस पे सेंस सोचना पड़ेगा, ठीक है, कैसे नष्ट होते हैं। एक बात थी कि हमारे यहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम जो है मशीन से काम नहीं करते थे, हम जो है हाथों से काम करते थे। हमारी हाथ में बुनाई कढ़ाई के इतने अच्छे गुण थे कि हम हर एक कामों को हाथों से करते थे। अंग्रेज उसी काम को मशीनों से करते थे और हम उसी काम को हाथ से करते थे। तो हाथ से किया जाने वाला काम में समय जो होता था वो बहुत ज़्यादा लगता था, समय ज़्यादा लगता था तो पूंजी भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है, मेहनताना ज़्यादा आएगा, ठीक है। जब समय ज़्यादा लगता था, पूंजी ज़्यादा लगती थी, तो इस पे जो मेहनताना लोगों का आता था वो भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती थी। और यहाँ पे जो मशीनों से काम होता था इसमें समय बिल्कुल कम लगता था, पूंजी भी कम लगती थी एज कंपेरिजन टू हाथ से करने के लोगों के। इन दोनों चीज़ों के अलावा दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें होती थी वो देखने में अच्छी लगती थी, क्यों, क्योंकि हाथ से बनी थी। अच्छी के साथ साथ ये चीज़ें सस्ती होती थी, जो मशीनों से बनी चीज़ें होती थी ये सस्ती होती थी और जो हाथ से बनी चीज़ें होती थी ये महंगी होती थी। तो ऐसे में भारतीय बाजारों में जो है ब्रिटिश यानी जो इंग्लैंड के बने सामान थे उनकी मांग बढ़ गई और हमारे भारतीय जो सामान थे उनकी मांग गिरने लगी। जब हमारे भारतीय चीज़ बिकेंगे नहीं, अंग्रेजों की चीज़ें बिकेंगी आकर के, इंग्लैंड से जो चीज़ें आ रही हैं वो बिक रही हैं, हमारे भारत की चीज़ें महंगी होने की वजह से नहीं बिक रही हैं। इस वजह से जो भारत का कुटीर उद्योग था, जहाँ पे यहीं पे शिल्पकार दस्तकार सब लोग लगे थे, ये सारा उद्योग प्रभावित हुआ और ये सारा उद्योग क्या हो गया, धीरे धीरे बंद होता चला गया। और ये वाला जो था मशीनों से बना हुआ माल, इसने पूरी मार्केट में अपनी पकड़ बना ली। तो इसीलिए कहा गया कि इंग्लैंड के सामानों से भारतीय मंडियाँ एकदम दबी पड़ी हुई थी, इतने सामान भारत में आ गए थे। कुल मिला जुला करके भारत के जो लघु और उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, दोनों पूरी तरीके से समाप्त हो गए। दोस्तों फिर से एक बार आइए आप 19वीं सदी मतलब दोस्तों 1800 से बात कर रहा है, ठीक है, 1800 से लेकर के 1899 तक आपका क्या कहा जाएगा, 19वीं सदी है। तो 19वीं सदी की शुरुआत में जो मलमल कपड़े थे,
सुनिएगा ध्यान से, जो मलमल के कपड़े थे उन पर जो है टैक्स लगता था वो 27% लगता था, जो सूती कपड़े थे उनमें टैक्स लगता था 71%। बाप रे बाप, 27% 71%। और इतना ही नहीं, जो रेशमी कपड़े थे दोस्तों, बात का रेशम बहुत फेमस था, इस पर 90% का टैक्स लगता था। यहीं मैं अगर बात करूं, जो अंग्रेज से चीज़ें आते थे, जो अंग्रेज के सूती कपड़े होते थे, ठीक है, उन पर 2.5% का टैक्स लगता था, और जो ऊनी कपड़े होते थे उन पर 2% का टैक्स लगता था। आप देख रहे हैं, आप कंपेयर देखिए, दोनों का कंपेयर करिए। ब्रिटेन से आने वाले सूती कपड़ों पर 3.5 था, ठीक है, 3.5% लगते थे, और यहाँ पर क्या था, 2% लगते थे, और यहाँ देखिए 27, 71 और 90%। दोस्तों अंग्रेज ऐसा क्यों किए थे, अंग्रेज ऐसा क्यों किए थे? अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि भारतीय माल महंगे तो होते थे लेकिन उनकी गुणवत्ता मशीनों से काफ़ी अच्छी होती थी। हाथ की कढ़ाई और मशीनों की कढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर होता था, ठीक है। मशीन से सारी चीज़ें मशीन से बनेंगी, अच्छी तो लगेंगी, लेकिन कहीं नहीं हाथ की कढ़ाई भी लोगों को जो है बहुत पसंद आता था, लोग उसके लिए ज़्यादा कीमत देना पसंद करते थे। तो अगर भारतीय माल पूरे विश्व तक पहुंच जाता तो भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग था, भारत का जो रेशम वस्त्र उद्योग था, वो पूरे विश्व में सबसे बढ़िया साबित हो जाता। अंग्रेज पीछे हो जाते, अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत का माल कभी भी विदेश की मंडियों तक ना पहुंच पाए, मतलब विदेश के अन्य देशों तक ना पहुंच पाए। हमारा इंग्लैंड ही नहीं, जो विदेश के दूसरे भी देश थे, जापान तक, चीन तक, अमेरिका तक, या यूरोप के जो भी कंट्री थे, वहां तक इनकी पहुंच ना बन पाए भारतीय सामानों की। इस वजह से अंग्रेजों ने जो इस पर टैक्स लगा रखे थे बहुत ज़्यादा लगा हुए रखे थे, ताकि हमारे कपड़े विश्व की मंडियों तक न पहुंच सके। इस तरह से दोस्तों बुनकरों का जीवन नष्ट हो गया, और अपने सामान पर इन्होंने कम टैक्स लगाया था, तो आयात तो करना होता था, खाली इनको मंगाना होता था, भारत में बेचना पड़ता था। तो कुल मिला जुलाकर इन्होंने जो है इस्तेमाल किया, ढाका ही नहीं दोस्तों, हमारे देश में और भी जगह थे, जैसे मुर्शिदाबाद का नाम सुना होगा, मुर्शिदाबाद भी दोस्तों कपड़े में जो है फेमस था। मुर्शिदाबाद को तो एकदम मुर्दा कर दिया अंग्रेजों ने, सूरत को बदसूरत कर दिया। सूरत भी जो था अपने ज़माने में भी जो है सूती वस्त्र का बहुत बड़ा उद्योग था, आज भी है, ठीक है, लेकिन उस ज़माने तक क्या हो गया था, सूरत क्या हो गया था, बदसूरत हो गया था। तो अंग्रेजों ने जितने भी लघु और कुटीर उद्योग थे इनको तबाह कर दिया। तो बताओ जिन लोगों का उद्योग तबाह होगा वो लोग आंदोलन करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ? तो आर्थिक कारण सिद्ध हुआ कि नहीं, कि आर्थिक कारण भी वजह था कि लोग 1857 की क्रांति में शामिल हुए, जो बुनकर होंगे, जो शिल्पकार होंगे, ठीक है, जिनका बिजनेस बंद हुआ होगा, वो लोग आंदोलन करेंगे कि नहीं करेंगे? जो किसान किए वो किए, ये भी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कच्चे माल जो अंग्रेज थे वो भारत से ले जाते थे, अब कच्चा माल आएगा कहाँ से? तो जो भारतीय किसान थे उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा जाता था कि तुमको अपने खेत के इतने परसेंट हिस्से पर यही उगाना है और हमको देना है, उसको तुम उगाओगे, मैं जिस दाम पे कहूँगा उस दाम पे हमको तुमको देना है। इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। तो कुल मिला जुलाकर यार जीवन तो नष्ट होना ही था। इसी विशेष समय में दोस्तों एक बहुत बड़ा, अच्छा, अंग्रेजों के इस वजह से, इस कारण से दोस्तों बताऊं, ये कारण अंग्रेजों का 1770 से लेकर के 1837 वाला जो अकाल था इस समय तक चला, और ये लगभग जो कितने साल का, 60-70 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है। इस 60-70 सालों में दोस्तों भारत में कई सारे अकाल पड़े, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो किसानों के प्रति और भारतीय उद्योगों के प्रति, दोनों के प्रति खराब थी। तो जब सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो अकाल नहीं आएगी तो क्या आएगा, आएगी ना? तो इस तरह से अंग्रेजों ने जीवन को बर्बाद किया। इतना ही नहीं दोस्तों, इसी समय में एक महान व्यक्ति का नाम आता है हमारे सामने, जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ये जो थे दोस्तों, इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, और इन्होंने सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, ड्रेन वेल्थ थ्योरी जो इन्होंने दिया था। और इस ड्रेन वेल्थ थ्योरी में दोस्तों इन्होंने बताया कि जो भारत का धन है, मतलब भारतीयों से अर्जित किया गया जो भारत का धन है, ये भारत पर खर्च नहीं किया जा रहा है। ये धन कहाँ खर्च हो रहा है? ये धन इंग्लैंड पर खर्च किया जा रहा है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी थे वो भी कहा करते थे कि हम भारतीयों से इतना पैसा वसूल लेते हैं कि हमारे पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी को आज तक अपने जेब से एक शिलिंग भी खर्चा नहीं करना पड़ा, हम भारतीयों से ही
पैसे से ही क्या करते हैं, अपने सारे कर्मचारियों को पैसे बांट देते हैं, इतना डिविडेंड हो जाता है कि मैं अपने शेयर होल्डरों को भी बांट देता हूँ। ऐसे ऐसे वक्तव्य थे उन सबके। तो कुल मिला जुला करके जो भारत का धन था वो भारत में न खर्च होकर इंग्लैंड पे खर्च हो रहा था, और यही सारी वजह थी कि लगातार ये होने की वजह से, ये धन निष्कासन होने की वजह से, लगातार होने की वजह से भारत में आर्थिक शोषण होता है और भारत दिन प्रतिदिन निर्धन और दरिद्र बनता चला गया। धीरे धीरे जो सोने की चिड़िया थी वो खाली चिड़िया रह गई, चिड़िया के पास अपना घोंसला भी नहीं रह गया। सोना तो बहुत दूर की बात है, सोना भी चला गया, चिड़िया भी चली गई, घोंसला भी चला गया, पेड़ भी चला गया, सब खत्म हो गया। ठीक है, कुल मिला जुला कर इसी वजह से दोस्तों जो लोग थे उन्होंने विद्रोह को एक आधार समझा। जब 1857 में हवा लगी, तात्कालिक कारण बने, तो उस विद्रोह में जो लोग भी परेशान थे अंग्रेजों से, उन सभी लोगों ने आए, खुल करके सामने आए। तो जो किसान थे वो भी आए, जो देसी राजे रजवाड़े थे वो भी आए, जो सेना में थे वो भी आए। ठीक है, हर वर्ग के लोगों ने साथ दिया। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि किन लोगों ने साथ नहीं दिया, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे मुख्य बात ये थी दोस्तों कि अगर सिपाही या विद्रोह कर रहे थे तो पूरे भारत के सिपाही एक साथ नहीं विद्रोह कर रहे थे। जिन सिपाहियों की समस्या थी वो कर रहे थे, जिनको नहीं थी वो नहीं कर रहे थे। जिन किसानों को समस्या थी वो थे विद्रोह में, जिनको नहीं थी वो नहीं थे। जिन जमींदारों को समस्या थी अंग्रेजों से उन्होंने विद्रोह किया, और जिनको नहीं थी उन्होंने सपोर्ट किया। समझ रहे हैं? तो हम ये भी नहीं कह सकते कि समस्त जमींदारों ने, समस्त कृषकों ने, समस्त सेनाओं ने या समस्त जनता ने ही नहीं दिया, समस्त जनता ने साथ। तो बहुत सारे वजह थे, और यही वजह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि किन वजहों से दोस्तों 1857 की क्रांति असफल सिद्ध हुई और इसके क्या परिणाम हुए, ये आपकी आखिरी टॉपिक होगी। चलिए इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है, जो प्रचार आता है स्टार्टिंग में, अगर वो आता है तो उसको आप पूरा देखेगा, उसको स्किप मत करिएगा। मैं बहुत प्रेम से कहता हूँ दोस्तों, देखिए हमारी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लालच नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ आप लोग मन से पढ़ाई करें, थोड़ा सा सपोर्ट रखें हमारे लिए, बस थोड़ा सा सपोर्ट रखेंगे तो मैं स्टैंड रहूँगा। क्योंकि यार देखो, अगर मैं स्टैंड रहूँगा तभी तो मैं पढ़ा पाऊँगा, अगर मैं स्टैंड रहूँगा तभी ना मैं पढ़ा पाऊँगा। और मेरे स्टैंड रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग जो एडवर्टीजमेंट आता है उसको देखिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन जो हमारे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको नहीं व्यवस्था मिल रही है, वो देख पाएँ। आपका एक क्लिक, आपका एक शेयर हमारे देश में लोगों को आगे बढ़ा सकता है। तो आप अपने व्हाट्सएप पे हो गया, सोशल मीडिया में हो गया, जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पर वीडियो के लिंक को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरा बच्चा उसको देख सके, या आपका कोई ऐसा दोस्त यार है जो नहीं पढ़ पा रहा है या जो भी पढ़ाई कर रहा है, उनको भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं कि वो तैयारी आके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बाय बाय।